तो तुम लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद आज हम डालने वाले हैं जी टी के अंदर लैंड क्रूजर को तो जल्दी से मैं ओपन करता हूँ अपना ब्राउजर यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में GTA टी साइड का तो वहाँ पर जाके आप इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं ऐड को क्लोज़ करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया स्टार्ट डाउनलोड एंड मैंने इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ आप डाउनलोड कर लो इसको डिज़ायर फोल्डर में अपने तो उसके बाद हम चले जाते हैं जी टी सॉरी यहाँ पर जिस यहाँ पर डाउनलोड हुई है तो ये मैंने ओपन कर लिया इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट क्लिक कर कर यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होकर एक, हो एक फोल्डर की सूरत में आपके सामने आ जाएगा तो अब जाते हैं हम अपने फोल्डर में जो फोल्डर का नाम है यहाँ पर ट्योटा एस जी ट्योटा एस जी के अंदर यहाँ पर तीन फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे हमारा काम है ट्योटा एस जी के फोल्डर से ट्योटा एस जे के फोल्डर से यहां पर हमारा काम है ये देखो इसके अंदर डी एल सी फाइल है तो इसको हम लोगों ने कॉपी करना है और जी टी फाइव की मेन डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो ओपन फाइल लोकेशन करते हैं पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर जाएंगे हम लोग मोड्स के अंदर मोड्स का फोल्डर अगर आपने नहीं बनाया तो मोड्स का फोल्डर सिंपली आप क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर आपने अपडेट का जो फोल्डर है वो वहाँ पर जाकर आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर तो न्यू फोल्डर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे जो अगर आपने नहीं बनाया मैंने बनाया हुआ है मोड्स के नाम से एम के नाम से फोल्डर बना लेना है आपने अपडेट का जो फोल्डर है उसको आपने पेस्ट कर देना है पहला टाइम आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हैवी फाइल्स होती हैं उसके अंदर जाएंगे अपडेट के अंदर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में जाने के बाद यहाँ पर डाटा के अंदर जाने के बाद डी पैक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये है और इस फोल्डर को सिंपली यहाँ पर से कॉपी करना है राइट क्लिक करके और दूसरे फोल्डर में जाके हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर तो ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है अब मैं जाता हूँ ओपन आईवी की तरफ ओपन आईवी को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर जी टी फाइव को विंडोज़ में सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर इसको कनेक्टिंग लेगा थोड़ा सा लोडिंग गेम डाटा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा तो ये दे देखो ओपन हो चुका है यहाँ पर फाइल पर जाएंगे ओपन फोल्डर की साइड पर जाएंगे हम लोग ओपन फोल्डर करने के बाद एडिट मोड को सबसे पहले ऑन कर लेना आप लोगों ने ओपन फोल्डर आपने तब करना है अगर आपने जी टी फाइव की मेन डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं की हुई तो मोड्स के फोल्डर में जाने के बाद डाटा में मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये जो फोल्डर हमने डालता है वो यहाँ पर आ चुका है बैक जाऊँगा मैं अपडेट्स में जाऊंगा और उसके बाद कॉमन के बाद डाटा डाटा के बाद नीचे आ जाएंगे डी एल सी एक्स एम एल यहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाएगी इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसा आपको नजर आने लग जाएगा इसके बाद आप पेस्ट करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे सॉरी और एंटर दबाकर आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करेंगे नीचे यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और स्लैशेस के बाद जो पीछे लिखा हुआ है उसको सबको बैक कर देंगे और स्लैश तक उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है टोयोटा एस एस जे टी ओ वाई ओ टी एस जे यहाँ पर आपने लिख कर सेव कर देना मैं सेव किया हुआ ऑलरेडी तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ मुझे जरूरत नहीं है ओपन आई वी को बंद करता हूँ गेम की तरफ चलते हैं तो हम आ चुके हैं गेम में मैं मेन्यू ट्रेन को ओपन करता हूँ दो बार एफ प्रेस करके यहाँ पर व्हीकल्स पाकर मैं जाता हूँ सबसे नीचे इनपुट मॉडल और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैलर थ्री बी ए डबल एल ई आर थ्री यहाँ पर मैं पेस्ट कर, ए, इंटर करता हूँ तो ये यह देखो यहाँ पर हमारी टोयोटा लैंड क्रूज़र आ चुकी है तो ये देखो यार कितनी ऑसम लग रही है हमारी गेम में टोयोटा लैंड क्रूज़र आप इसका मेन्यू कस्टम में जाके आप इसको कलर भी ब्लैक कर सकते हैं नंबर प्लेट वगैरह भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अंदर से चेक कर लो इंटीरियर सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओपन आई और लैंड क्रूजर का भी आप जी टी फाइव मोड से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन आ, मैं जो है जी टी साइड से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जी टी फाइव मोड से अक्सर जो है वो एरर दे जाता है गेम में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो